गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज क्रिसमस, तो हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। और फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आज ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और वो ब्लॉग वीडियो है स्किन के लिए। तो फ्रेंड आज मैं स्किन की एक रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, चैनल को न्यू हो तो। आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं, रेमेडी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड चलो किचन में और बनाते हैं कैसे बनती है, फिर अप्लाई करके भी दिखाएंगे आपको। आज ऐसे रेमेडी बताने वाली हूँ जो किचन में इजीली अवेलेबल होता है, सभी के किचन में होता है मोस्टली। तो ये है आलू और ये मैंने आधा लिया हुआ है, आधा कट करके अपनी फेस के अकॉर्डिंग। और ये आधा नींबू है मेरे पास और ये आधा टमाटर। तो फ्रेंड ये सभी के मोस्टली रहता है किचन में, ऐसा नहीं है। फ्रेंड वो रेमेडी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो ये मैंने एक आधा टमाटर लिया, कट कर लिया है। और ये आधा आलू है, अच्छे से धो लिया मैंने, वॉश कर लिया है। और ये एक नींबू है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आपको नीड हो। तो फ्रेंड मैंने अभी इतना लिया है और इसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ एक बार। हमारा जो प्यूरिथा रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए, देखो कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ है और बिल्कुल नेचुरल कह सकते हैं आप इसको। ब्लीच का काम करेगा आपकी स्किन पे। तो अभी इसमें क्या मिलाएंगे हम आपको दिखाते हैं। मैं इसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करूँगी और देन इसको ना मिक्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप आराम से अपनी स्किन पे। और उसके बाद आप अपनी स्किन का देखना कैसे ग्लो करेगी। तो फ्रेंड मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, मिक्स कर लेते हैं। तो पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है इसे फ्रेंड अच्छे से, और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं लगे हुए इसको, तो अभी मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अपना चेहरा वॉश करने के बाद कैसा रहता है। तो फ्रेंड कमेंट करके बताना ज़रूर, अप्लाई करके देखना कैसा लगता है आपको और बताना। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर भी करना। वॉश कर लिया है अभी और आप देख सकते हो मेरा स्किन। और फाइनल स्टेप अभी बाकी है जो मैन है इसमें, तो फ्रेंड अभी वो करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ मैं अपना। फ्रेंड ये है विटामिन ई कैप्सूल, और चेहरा वॉश करने के बाद एक विटामिन ई कैप्सूल निकाल के हम लोग इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप धो भी सकते हो या नहीं भी। तो फ्रेंड अप्लाई करके देखना एक बार और ट्राई करते हैं। तो चलो मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, आपको दिखाती हूँ। देखो ये एक विटामिन ई कैप्सूल को लेके अच्छे से पूरा निकाल के अप्लाई करना है। तो अभी मैं विटामिन ई कैप्सूल अप्लाई करूँगी, देन अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना अपने पूरे फेस पे और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो विटामिन ई तो कैप्सूल वैसे भी हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड बताना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा मेरा आपको फेस पैक, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा रहा। कैप्सूल लगा लिया है और आप मेरा चेहरा देख सकते हो अभी। और फ्रेंड इसे 10 मिनट के बाद वॉश कर सकते हो। और कमेंट में बताना वीडियो कैसा रहा, लाइक करना शेयर करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी स्किन के लिए। फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।